हाय गाइस, मेरा नाम है विजय। गाइस, आज हमारे पास अवेलेबल है वीवो का एक लेटेस्ट डिवाइस, वीवो वाई सीरीज का Y51, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। ये ऐसे फोन होते हैं जो कि वाई सीरीज आती है वो डायरेक्टली ऑफलाइन मार्केट में जाने के लिए सेल हो जाते हैं, मतलब इसका कोई लॉन्च इवेंट नहीं होता, किसी को पता नहीं होता। लेकिन हम हैं आपको बताने वाले इस फोन में जो है क्या आपको ऑप्शन मिल पाएंगे, क्या आपको ये परचेज करना चाहिए या फिर जो है नहीं करना चाहिए। अगर आप इस फोन में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रीजन क्या है, डिटेल में हम जो है बात करने है। इसका मतलब जो है हम यहां पे कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, गेमिंग के बारे में बात करेंगे एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में जो है बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हां गाइस, अगर आपको Vivo Y51 का किसी और फोन के साथ में जो है कैमरा कंपैरिजन चाहिए, बैटरी कंपैरिजन चाहिए, चार्जिंग कंपैरिजन चाहिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। जिसकी सबसे ज्यादा वोटिंग होगी वही जो है नेक्स्ट वीडियो आने वाला है Vivo Y51 के साथ में और फोन का कंपैरिजन। ऑलमोस्ट सभी फोन है हमारे पास, आप सिर्फ बताना और वो हम जो है काम जरूर करेंगे। तो गाइस, बॉक्स आपको जो है कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाएगा। Y51 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज वेरिएंट जो कि सिंगल आता है। एंड यहां पे बॉक्स जो है कुछ डिफरेंट है इस बार। पहले आता था ओनली व्हाइट कलर का और यहां पे जो है अभी व्हाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है। Vivo की ब्रांडिंग जो है नीचे है। एंड इसके अलावा जो है बॉक्स के बैक साइड में जो है कुछ फीचर हाईलाइटेड है, लेकिन हम जो है डिटेल में सभी फीचर की बात कर लेंगे। अभी कर लेता हूं फोन को अनबॉक्स और देखते हैं कि फोन का जो परफॉर्मेंस है वो आपको जो है कैसा दिखाई देगा। एंड बॉक्स को अनबॉक्स करते ही Vivo का एक स्टाइलिश लुक वाला एक छोटा सा बॉक्स और अवेलेबल है, जो कि है उसके अंदर कवर अवेलेबल होगा एंड कवर एंड मैनुअल गाइड्स जो है अवेलेबल है। और उसी नीचे अवेलेबल है हमारे पास एक फोन, जिसको करता हूं मैं यहां से रैपर से रिमूव और देखते हैं फोन का यहां पे लुक एंड डिजाइन। फोन के अगर फील की बात करते हैं तो काफी ज्यादा लाइटवेट फोन लग रहा है। एंड देखते हैं बैक डिजाइन, awesome फीलिंग, मतलब इसका जो बैक डिजाइन है वो काफी ज्यादा प्यारा है। ये जो लुक दे रहा है Vivo V सीरीज का जो है लुक दे रहा है, मतलब Y सीरीज की प्राइस सेगमेंट में V सीरीज का लुक बहुत ही अच्छी बात है। ऑलमोस्ट 18,000 का आपको ये मार्केट प्राइस है, जबकि 8GB रैम वाला वेरिएंट है, लेकिन लुक वाइज awesome है ये फोन। मतलब यहां पे सकते हैं इसको एक बार साइड में, देखते हैं इस फोन के अलावा जो है क्या क्या एक्सेसरीज बॉक्स में अवेलेबल है। बॉक्स के अंदर अवेलेबल है यहां पर एक चार्जर, जिसके अगर आउटपुट की बात करते हैं तो वो है मैक्सिमम 9 वोल्ट एंड 2 एम्पीयर के साथ में। साथ में मिल जाती है एक टाइप सी केबल। और एक अच्छी बात यह है कि Vivo के Y सीरीज के अंदर जो है आपको एक ईयरफोन भी देखने को मिल जाती है। तो गाइस, यही थे कुछ बॉक्स कंटेंट। लेके आया इसका जो लुक है ना वो बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। लेते हैं एक फिजिकल ओवरव्यू। यहां पे है ट्रिपल कैमरा सेटअप, जो कि डिजाइन काफी ज्यादा प्यारा है Vivo के ब्रांडिंग के साथ में। पॉलीकार्बोनेट बॉडी आपको जो है यहां पे देखने को मिल जाता है। फोन के राइट साइड में जो है वॉल्यूम अप डाउन की है। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको जो है साइड फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा जो है फोन के लेफ्ट साइड में जो है कोई भी यहां पे की और आपको जो है स्लॉट वगैरह आपको जो है देखने को नहीं मिलता है। एंड फोन के ऊपर साइड में है सिम ट्रे देखने को मिल जाएगी एंड नॉइस कैंसिलेशन माइक आपको देखने को मिल जाएगा एंड चार्जिंग स्लॉट, 3.5mm जैक एंड स्पीकर आपको जो है देखने को मिल जाता है। करता हूं इस फोन को बूट जल्दी से और देखते हैं कि यार फोन का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा मिलने वाला है। तो गाइस, ये फोन हो गया है स्टार्ट। जहां पर हम इस बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले साइज की, तो ये फोन जो है मुझे काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट लग रहा है, जबकि इस फोन का डिस्प्ले साइज है वो है 6.58 इंच का डिस्प्ले, मतलब 6.5 इंच से भी जो है ज्यादा डिस्प्ले साइज है, लेकिन फिर भी जो है ये कॉम्पैक्ट लग रहा है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसका जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो है 21:9 के स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। इसका मतलब ये है कि जो इसका बॉर्डर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कम है एंड लुक वाइज में ये फोन जो है काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। स्क्रीन साइज बड़ा होने के बाद में भी जो है ये फोन कॉम्पैक्ट है। करता हूं इसमें एक वीडियो प्ले, देखते हैं कि वीडियो का परफॉर्मेंस आपको जो है कैसा देखने को मिलेगा, जो कि है IPS स्क्रीन के साथ में। गाइस, अगर वीडियो परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है, जो कि है 1080 पिक्सल के साथ में फुल HD+ रेजोल्यूशन। क्वालिटी वाइज में यहां पे कोई आपको जो है डाउटफुल देखने को नहीं मिलेगा। गाइस, चलते हैं फोन की सेटिंग के अंदर। और यहां पे एक अच्छी बात यह है, ये फोन काम करता है एंड्रॉइड 11 पे। आपको चेक करके बताते हैं, यहां पे थोड़ी सी करते हैं ब्राइटनेस कम। चलते हैं फोन के अबाउट सेक्शन की तरफ, जहां पे आपको बता दूं डिवाइस नेम है V2030 एंड इसके अलावा जो है 8GB रैम वाला आपको जो है फोन देखने को मिल रहा है, सिंगल वेरिएंट 8GB एंड 128GB। एंड यहां पे अगर CPU की बात करते हैं तो वो है 2.0GHz का ऑक्टाकोर CPU। जहां पर अगर चिपसेट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, स्नैपड्रैगन 665 आपको जो है चिपसेट देखने को मिल जाता है एंड फ्रंट टच OS पे काम करता है। और अगर एंड्रॉइड वर्जन की बात करते हैं तो ये जो फोन है वो एंड्रॉइड 11 पे काम करता है। इसका मतलब है यहां पे परफॉर्मेंस आपको जो है एक नेक्स्ट लेवल का जो है देखने को मिलेगा इस प्राइस सेगमेंट में Vivo Y51 का। और इसके अलावा बात करते हैं हम इस फोन के कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में। जिसको मेन कैमरा है वो है 48MP का कैमरा, जहां पर अपर्चर यूज किया गया है फोकल लेंस F1.8। ये है एक वाइड एंगल कैमरा, जो कि आप यहां पे एक इमेजेस देख रहे हैं, एक अच्छा कैमरा इमेजेस आपको जो है देखने को मिल जाती है। यहां पर एक नो डाउट एक अच्छी इमेजेस आपको जो है देखने को मिल जाती है, मतलब हम
हम यहां पे जो है दूसरे ब्रांड से इजीली जो है यहां पे कॉम्पीट कर सकते हैं वीवो Y15 के साथ में, मतलब कैमरा परफॉर्मेंस एक अच्छा है मेन कैमरा के साथ में। अगर बात करते हैं वाइड एंगल कैमरा की, जो ये सेकेंडरी वाला कैमरा है वो है 8MP का कैमरा जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल इमेज जो है कैप्चर करता है, जहां पर परफॉर्मेंस वाइज में 8MP के साथ में आप यहां पे क्वालिटी देख रहे हैं। और इसके अलावा अगर थर्ड कैमरा परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहां पर दिया हुआ है मैक्रो लेंस। इसका मतलब यह है कि आपको डेप्थ को कवर करने के लिए एक्स्ट्रा कैमरा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन पहले हम देखते हैं मैक्रो लेंस की इमेजेस, आप देख रहे हैं क्वालिटी वाइज मैक्रो लेंस की भी जो है यहां पे क्वालिटी देख रहे हैं जो कि है सिर्फ 2MP का। यहां पर एक एक्स्ट्रा कैमरा दिया हुआ है मैक्रो लेंस के लिए, लेकिन क्वालिटी वाइज में ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाता है 2MP के साथ में। लेकिन अगर अब हम बात करते हैं डेप्थ को कवर करने के लिए, डेप्थ को कवर करने के लिए यहां पे एक डेडिकेटेड कैमरा नहीं है। इसका मतलब यह है कि सॉफ्टवेयर बेस पे काम करेगा, जो कि आप यहां पे इमेजेस देख रहे हैं परफॉर्मेंस वाइज में एक ऑसम इमेजेस आपको जो है देखने मिल जाती है, मतलब कोई यहां पे डाउटफुल इमेजेस नहीं है, बैकग्राउंड को एक अच्छे से ब्लर कर लेता है। फ्रंट कैमरा परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहां पे दिया हुआ है वाटर ड्रॉप नॉच के अंदर जो कि है 16MP का कैमरा। सिर्फ यहां पर एक ही यहां पे डिजाइन में थोड़ी बहुत कमी लगी क्योंकि यहां पे वाटर ड्रॉप नॉच दिया हुआ है। अगर इसी की जगह पंच होल स्क्रीन होता तो शायद और भी अच्छी बात होती। आप बताना कि आपके अकॉर्डिंग जो है कौन सा परफेक्ट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। कैमरा क्वालिटी देखते हैं, ये देखिए यहां पे कैमरा परफॉर्मेंस फ्रंट कैमरा के साथ में एक अच्छी क्वालिटी आपको जो है देखने को मिलती है, नो डाउट। और इसके अलावा बात करते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के बारे में, जहां पर अगर हम इस फोन के गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं, जहां पर चिपसेट यूज किया गया है स्नैपड्रैगन 665, नो डाउट यहां पे एक अच्छा परफॉर्मेंस है स्नैपड्रैगन 665 का। अगर बात करते हैं ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करता है तो यहां पे स्नैपड्रैगन 7 सीरीज का कोई भी चिपसेट आपको देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर यहां पे कॉम्पिटिट करते हैं दूसरे ब्रांड से ऑफलाइन मार्केट के लिए तो यहां पर जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको जो है गेमिंग के साथ में देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि स्नैपड्रैगन 665 में जो है कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, कोई लैग इशू अगर आपको जो है देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हां, हम इसको जो है स्नैपड्रैगन 7 सीरीज वाले गेमिंग से जो है कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। आपको यहां पर जो है कंपैरिजन अगर हम ऑनलाइन वाले फोन की बात करते हैं तो उससे जो है एक लोअर परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप ऑफलाइन मार्केट वाले फोन से कंपेयर करते हैं, जो कि इसके सैमसंग का फोन आते हैं, सैमसंग गैलेक्सी A सीरीज के फोन आते हैं, तो वहां पर जो है उससे ये इजीली कॉम्पिटिट कर सकता है। लेकिन गाइस वहीं अगर मैं सिक्योरिटी परफॉर्मेंस के बारे में बात करता हूं तो आपको जो है साइड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जहां पर क्वालिटी वाइज थोड़ा सा मुझे यहाँ पे जो है डिले लग रहा है। यहाँ मतलब यहाँ पे वीवो वी सीरीज जो होती है ना उससे हम कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टिल जो है वीवो वाई सीरीज वाला ही परफॉर्मेंस मिल रहा है, मतलब जो वाई सीरीज वाले जो मिड सेगमेंट वाले फोन होते हैं वैसे ही परफॉर्मेंस मिल रहा है। मतलब लुक वाइज में तो वीवो वी सीरीज दे दिया, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज में थोड़ा सा यहाँ पे जो है लोअर है वी सीरीज के। मतलब यहाँ पे इंस्टेंट अनलॉक नहीं हो रहा, थोड़े सेकंड ज्यादा ले रहा है कंपेरिजन वीवो वी सीरीज के। और गाइस इसके अलावा बात करते हैं इस फोन की बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में, इतना ज्यादा यहाँ पे बैटरी होने के बाद भी, मतलब 5000mAh जो है बैटरी इसमें यूज की गई है, फिर भी एक लाइटवेट फोन है। जिसके अलावा अगर हम यहां पे बैटरी परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो अगर आप जो है 6.58 इंच के डिस्प्ले साथ में अगर बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो ऑलमोस्ट जो है 8 घंटे का आपको जो है इजीली से परफॉर्मेंस मिलेगा। हम जो है बैटरी ड्रेन टेस्ट जरूर करेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और हां, इस बैटरी को पूरा ड्रेन करने के बाद में हम जो है चार्जिंग टेस्ट भी जो है करेंगे, जिसमें 18W का जो चार्जर है वो आपको आउट ऑफ बॉक्स देखने को मिलता है। इसका मतलब यह है कि ऑलमोस्ट 2 घंटे जो है फोन चार्जिंग में लेगा, और हम जो है नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आपको जरूर बताएंगे कि कितनी देर जो है बैटरी ड्रेन होती है और कितनी देर में फोन जो है चार्ज हो जाता है। तो गाइस ये था आज की वीडियो पे, जहां पर हमने इस फोन का एक डिटेल वीडियो देखा, जहां पर इस फोन का जो लुक वाइज है डिजाइन है वो मुझे पर्सनली जो है काफी ज्यादा पसंद आया। आपको पसंद आया आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। और हां, सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स देखने को मिलते रहेंगे। इतना ही था आज की वीडियो में, देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में।